क्या हुआ था 2 अक्टूबर को आपको भी नहीं पता है? तो यह राज खोलने के लिए अजय देवगन खुद आ गए हैं। जी हाँ, मोस्ट अवेटेड फिल्म दृश्यम 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म की लिखावट वैसी है जैसे ऑडियंस देखना पसंद करती है। जानकारी के लिए बता दें कि यह मोहनलाल सर की फिल्म दृश्यम 2 का रीमेक है। वैसे भी इनकी कहानी कमाल की होती है। कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ से खत्म हुई है। पिछले कहानी में अजय देवगन की तब्बू से टक्कर होती है। पिछले 7 साल से लोग यह पूछ रहे हैं क्या हुआ 2 अक्टूबर को। कहानी अजय देवगन के कंधे के सहारे घूमती नजर आती है, जो पूरी तरह से सस्पेंस और थ्रिल से भरा पड़ा है। बच्चों बच्चों को यह पता जरूर होगा कि विजय सालगांवकर 2 अक्टूबर को पणजी गए थे, सत्संग हुआ, आइसक्रीम खाएं आदि। लेकिन इस बार विजय की फैमिली कैसे बच पाएगी, क्योंकि नए कॉप के रूप में अक्षय खन्ना नजर आ रहे हैं। इनके बारे में क्या ही कहना है, क्या पता कहाँ से निगेटिव रोल में जान डाल देते हैं। फिल्म इसी सस्पेंस के साथ आगे बढ़ती है। ने मोहनलाल सर की फिल्म जो OTT पर रिलीज हुई वो भी कमाल की थी, लेकिन इसके हिंदी रीमेक से क्या असर पड़ता है देखना होगा। फिल्म के सभी कैरेक्टर वैसे ही हैं जैसे पिछले फिल्म में थी। अब बात करेंगे फिल्म की कुछ पॉजिटिव बातें। अजय देवगन मोहनलाल सर वाली दृश्यम 2 देखने के बाद यह देखना जरूर होगा कि अजय देवगन इस फिल्म को कैसे जीते हैं और इनकी फैमिली। स्टार कास्ट, खतरनाक टैलेंट स्टार कास्ट के साथ अक्षय खन्ना भी कमाल कर रहे हैं। इस फिल्म के सभी किरदारों ने बिल्कुल तारीफ करने वाली काम किए हैं। एडिटिंग, यह सस्पेंस बेस्ड फिल्म है, जो लोगों को देखना चाहिए वही दिखाता है। कहानी रिवील किए बिना लोगों में एक सस्पेंस क्रिएट करती है। इतनी बेहतरीन फिल्म होने के बावजूद इसके निगेटिव पहलू भी हैं। रीमेक, जी हाँ, यह फिल्म साउथ मूवी की रीमेक है। जो लोग देख चुके हैं वो इस फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड है देखना होगा। वैसे मलयालम फिल्म की हिंदी रीमेक हो रही है। यह केस आपको 18 नवंबर को देखने को मिलेगी। जबरदस्त थ्रिलर से भरी यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ये भी बताएं आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी।